नमस्कार, मेरा नाम रविकांत चौरचर। आप देख रहे हैं बोलता खगड़िया। खगड़िया बेगूसराय स्थानीय निकाय MLC चुनाव के राजद समर्थित उम्मीदवार व खगड़िया के पूर्व नगर सभापति रह चुके मनोहर यादव ने चलाया जनसंपर्क अभियान। आपको बता दें, MLC चुनाव के तारीखों का ऐलान भले ही नहीं हुए हैं, लेकिन तमाम वो प्रत्याशी लगातार त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि के बीच जाकर जनसंपर्क कर रहे हैं और उनसे समर्थन मांग रहे हैं। वहीं बता दें, खगड़िया जिले के गोगरी प्रखंड के समसपुर पंचायत व झिटकिया पंचायत के त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि से मिलकर मनोहर यादव ने समर्थन मांगा है। इसके साथ ही साथ बेलदौर के बलेठा डुमरी पंचायत के साथ ही साथ पिनगरा बेला नवाद पंचायत व मेहनत नगर पंचायत के तमाम जनप्रतिनिधियों से समर्थन मांगा है। वहीं शॉल ओढ़ाकर और उन्हें सम्मानित भी करते दिखे हैं मनोहर यादव। वहीं मीडिया से बातचीत करने के दौरान क्या कुछ कह रहे हैं RJD समर्थित उम्मीदवार मनोहर यादव। हम लोग को ये उम्मीद जगा है कि हम लोग के बीच जो सामाजिक न्याय लालू जी का था, सामाजिक न्याय को एक बार मजबूत करने का समय है अभी, और सब लोग सामाजिक न्याय को मजबूत करने में लगे हैं। इस बार हम लोग जीतेंगे, भारी बहुमत से जीतेंगे। सब लोग का आशीर्वाद, प्यार, सहयोग लगातार बढ़ चढ़ के मिल रहा है। चुनाव के तारीख भी नहीं आए हैं, लेकिन उसके बाद आप पूरी दमखम लगा रहे हैं। तारीख के चुनाव होना तय है, आज दो चार दिन में जो है अधिसूचना जारी हो जाना है, जैसा कि हम लोग को जानकारी मिली है। और बहुत बड़ा क्षेत्र है खगड़िया और बेगूसराय, दो जिला है। दोनों जिला में सभी जनप्रतिनिधियों से मिलना एक महीना या फिर डेढ़ महीना में संभव नहीं है। अधिसूचना जारी होगा, एक महीना का टाइम देगा, इसलिए मिलना जुलना सबसे भेंट प्रेम। क्या लगता है जो आपके चुनावी एजेंडे हैं, क्या ऐसे चुनावी एजेंडे हैं जो प्रतिनिधि आपके एजेंडे को मानने को तैयार? साफ मानना है कि जो लोग जिस पद के लिए है, पद के साथ कभी भी ईमानदारी से खड़ा नहीं रहा है। जनप्रतिनिधि का ये स्थानीय निकाय का सीट है, स्थानीय निकाय में जो लोग वोट देते हैं, पंचायत के प्रतिनिधि, नगर के प्रतिनिधि, उनके अधिकार और सम्मान की रक्षा का सवाल होता है। ये लोग जो लोग भी जीत करके गए, आज तक किसी जनप्रतिनिधि के सम्मान का बात नहीं किए, किसी जनप्रतिनिधि, यहाँ तक कि देखिए लगातार आए दिन मुखिया, जिला परिषद, वार्ड सदस्य, तमाम जनप्रतिनिधि, सरपंच साहब, पंच साहब, सब पर हमला होता है, कोई सुरक्षा की गारंटी नहीं है। आज तक 12 साल रजनीश जी रहे, कभी जनप्रतिनिधि के सुरक्षा की बात सदन में नहीं उठाए। एक मामूली सुरक्षा के लिए जो संवैधानिक मौलिक अधिकार है एक जनप्रतिनिधि का, कि उसे हथियार का लाइसेंस मिलना चाहिए, लेकिन आप देख लीजिए कितने लोग को लाइसेंस देता है, लाइसेंस देता भी है, वैसे लोग को देता है जो दलाल किस्म के हैं, जो बड़े बड़े पैरवी पर जो लोग आते हैं उसको आर्म्स का लाइसेंस देता है। रोज मुखिया की हत्या होती है, जनप्रतिनिधि का हत्या होता है, कोई देखने वाला नहीं है। जनप्रतिनिधि का अपमान रोज, आप जाइए कोई भी ब्लॉक चले जाइए, वहाँ जनप्रतिनिधि का अपमान होता है, कोई देखने वाला नहीं है, कोई सम्मान करने वाला नहीं है। गांधी जी का सपना था राजस्व ग्राम स्थानीय सरकार, ये गांधी जी का सपना था, ये स्थानीय स्तर का सरकार है, पंचायती राज, नगर निकाय, वहाँ जनप्रतिनिधि का सम्मान होना चाहिए। लेकिन जो BDO साहब है, पदाधिकारी है, कुछ कीड़ा मकोड़ा समझता है जनप्रतिनिधि को, कोई बोलने वाला है, कौन बोलेगा इनके लिए? इनके लिए बोलने के लिए यही स्थानीय निकाय के जो MLC है, सिर्फ और सिर्फ ये प्रतिनिधि का प्रतिनिधि है, उनको सुरक्षा की गारंटी लेनी चाहिए, इनकी बात को रखनी चाहिए। लेकिन कभी इस मुद्दे पर वो न सदन में बोले, न सड़क पर बोले, न समाहरणालय, कलेक्टर, SP कहीं पर आवाज नहीं उठाए, सिर्फ और सिर्फ
वोट लिया और बड़े बड़े पद पर चले गए कि हम बीजेपी के इतना बड़े लीडर, इतना बड़े लीडर, मतलब अपना मान सम्मान, अपने प्रतिष्ठा और अपने ऐशो आराम का साधन पद को बनाया। जनप्रतिनिधि से कोई लेना देना नहीं रहा। किसी भी जनप्रतिनिधि से आप पूछ लीजिएगा, कोई भी जनप्रतिनिधि नहीं कहेगा, कोई खास व्यक्ति हो सकता है जो उनके इर्द गिर्द होगा, उनके काम आए हो, लेकिन आम जो जनप्रतिनिधि है, गांव में जो बसते हैं, गांव में जो जनता के बीच रहते हैं, जो सुदूर गांव में जनता के दुख दर्द के साथ होते हैं, उस पर हमला होता है, कभी उनका सुना गया? तो ये सब सवाल है। इस सवाल को लेके मैं तमाम जनप्रतिनिधि से निवेदन कर रहा हूँ, विनती कर रहा हूँ कि आप मुझे समर्थन दें, वोट दें, और लोग वोट समर्थन दे रहे हैं।